नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रांची, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर बीएसपीसीएस की झारखंड इकाई जेजेए द्वारा झारखंड विधानसभा के समक्ष किया गया महाधरने का आयोजन। मुख्यमंत्री ने अपने प्रतिनिधि के रूप में धरना स्थल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर को वार्ता के लिए भेजा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संगठन को दिया आश्वासन, झारखंड में भी जल्द लागू होगा पत्रकार सुरक्षा कानून। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की झारखंड राज्य इकाई झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा झारखंड विधानसभा के समक्ष पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए दो दिवसीय धरने का आह्वान संगठन के संस्थापक सहराष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हसन द्वारा किया गया था। झारखंड विधानसभा के समक्ष अहले सुबह से ही धरना स्थल पर झारखंड के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकार पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू होगा। पत्रकार सुरक्षा से संबंधित पत्रकारों की सभी मांगें शीघ्र पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। ज्ञात हो कि पिछले एक दशक में झारखंड में 5 पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, जबकि 39 से अधिक पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जेजेए अपनी स्थापना काल से ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग लगातार करता आया है। आज का धरना में गढ़वा, रांची, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में एसोसिएशन से जुड़े पत्रकार शामिल हुए। एसोसिएशन की ओर से झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष अमरकांत, प्रदेश महासचिव सियाराम शरण वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार कौशलेंद्र एवं नवल किशोर सिंह ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, भाजपा सचेतक विधायक बिरंची नारायण, विधायक अनंत ओझा, कांग्रेस विधायक उमर शंकर अकेला, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, विधायक अंबा प्रसाद एवं भाजपा विधायक मनीष जायसवाल के समक्ष रखा। ज्ञात हो कि धरना की सूचना विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली। मुख्यमंत्री ने धरने को गंभीरता से लेते हुए तत्काल राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ सत्ता पक्ष के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और अंबा प्रसाद धरना को धरना स्थल पर भेजा। सत्ता पक्ष के लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री का संदेश पत्रकारों को दिया। बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू किया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकारों की अन्य मांगों को राज्य सरकार की ओर से शीघ्र पूरा किया जाएगा। जेजेए के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अमरकांत ने विस्तार से बताया कि किन हालातों में पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि आए दिन पत्रकारों को भी धमकियां व हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून का लागू होना बहुत जरूरी है, ताकि कभी ऐसी घटनाएं हो तो इसकी समुचित तरीके से जाँच हो और पत्रकारों को न्याय मिल सके। आज यहाँ पे उपस्थित मुख्य रूप से मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री यहाँ पे उपस्थित हुए, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, माननीय विधायक और यहाँ के सभी वरिष्ठ और बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल पत्रकार बंधु यहाँ पे उपस्थित है। मेरे क्षेत्र के कई लोग आए हैं, नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाता है छूट जाता है। पूरे डायरी हो, बच्चा गाँव हो, पत्रकार हो और हजारीबाग जिला से बहुत सारे पत्रकार आए हुए हैं, सभी मेरे अंकल ही लगेंगे रिश्ते में। बहुत खुशी हुई आप लोगों को यहाँ पे रांची में देख के। अभी हम लोग वृक्षारोपण करके आ रहे हैं, वहीं पे चर्चा हो रही थी। माननीय मिथिलेश ठाकुर जी वहाँ पे उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे आप लोग अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के तर्ज पे पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि आप बोल दीजिए कि मेरे संज्ञान में आ गया है, हम इससे जो भी आप लोगों के हित में होगा वो करने के लिए वो तैयार है। और इस तरह का आश्वासन के साथ हम लोग आए हैं। और एक अलग विषय है, आप लोगों को जितना सुनना था उतना हम बोल दिए, अब यहाँ पे बाकी बच्चा है उनको भी बुलवाइए। हमारे पत्रकार भाइयों के द्वारा इस धरने हमारे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, समस्याओं को सुनने प्रतिनिधि की ओर से भाई ठाकुर जी, हमारी चीफ प्रधान विधायक अंबा जी, यहाँ सभी हमारे सम्मान सत्कार कर रहे हैं। मुझे बहुत खराब लगा है कि हमारे पत्रकार बंधु से ही ज्यादा कर सकते हैं क्या? ये काम तो हम सबका है और आपको भी हमारा काम क्यों
आज है, लेकिन सरकार जो है चौथा स्तंभ है और आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के न्यूज से हम लोग काम करते हैं। अगर आप लोग स्वस्थ हो जाए कि हम सब पैसा नहीं लगेगा, और आज जैसे ही हमको मालूम चला कि आप लोग धरना पर बैठे हैं, तो ये हम लोग कार्यक्रम है, तो वहाँ पर ठाकुर जी ने मोहन जी से बात रखा कि हमारे सरकार धरना पर खड़े हैं, संज्ञान में लिया और कहा कि आप लोग जाओ हमको वापस, और निश्चित तौर पर आप लोग आश्वस्त रहते हैं, आप जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप लोग इतना करते हैं, दीदार करते हैं, दीदार सेवा करते हैं, समाज का आप आईना है, आप सब चाहते हैं, और उसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं आपका भी बात होता है, आपका भी परिवार है, आपका भी समाज है, तो हम लोग आपको मान कर आपके साथ हैं। और फिर मैं जीत जाता कि छत्तीसगढ़ में पहले से सरकार है और वहाँ पर आपकी मांग पूरी हो चुकी है, यकीन मानिए हम लोग सरकार बात करेंगे, और झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के तहत पर आपकी मांग हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे मैं आगे करना कि आप हमारे मंत्री ठाकुर जी जो संदेश लेके आए हैं मुख्यमंत्री जी का, उनके भाषा को सुनिए, और मैं चाहूँगा आगे से आप धरना देते हैं, धरना देने का काम हम सब कर आप लोग कहते हैं धरना कर, आप लोग सर आदमी ने धरना कर देगा, तो आप लोग कोशिशें कि पहले पहले आज अपनी जायज मांगों को लेकर मैं कहूँगा सोची नहीं होगी अभी जितने भी हमारे सरकार बंधु हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से हों, प्रिंट मीडिया से हों, ये सभी अत्यंत प्रतिनिधि वर्ग से आते हैं, और आपको जबलपुर की प्योर से जो पड़ी यहाँ बैठने की, इससे ही समझ में आता है कि आप जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब पूरा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं अपने राज्य के लोगों के प्रति, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे हमारा संविधान कर्मी हो, मजदूर हो, और पत्रकार तो हमारे अभिन्न अंग हैं, इनके बिना आपके बिना हमारा एकदम चलना मुश्किल है। अभी मालूम चला हमें अपने पदाधिकारी हैं सियाराम जी, तो हमारे क्षेत्र से यात्रा सभी पत्रकारगण हैं यहाँ झारखंड एसोसिएशन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सदस्य मुझे आवेदन कराया गया, मैं एक कार्यक्रम में वहाँ भी क्या बता हूँ, मैं सुभाष मुंडा की हत्या हो गई, मैं उनके आवास पर गया हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में, वहाँ से लौटने के बाद वृक्षारोपण के कार्यक्रम में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि हमारे पत्रकार भाई लोग धरना पर बैठे हुए हैं पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए, तो हमारा एजेंडा भी था, हमने ये भी कहा माननीय हमारे चुनावी एजेंडे में भी शायद उसने मुझे आपके बीच भेजा है, और यही आसपास लोगों को के लिए कि पूरी तरह से सरकार आपके साथ है, आप दृढ़तापूर्वक जो आपके कार्य है उसको संपादित करें, बिना किसी दबाव के आप पूरे झारखंड राज्य को, पूरे देश को जो जमीनी सच्चाई है उससे हमेशा अवगत करने में, कहीं से किसी भी दबाव में आप काम ना करें, आप स्वतंत्र होकर निर्भीक होकर आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी। आप लोगों ने मुझे जो ये ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री को ये प्राप्त करा दूंगा, और आपकी भावनाओं से मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अवगत कराऊंगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो मांग है, मैंने कहा था कि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, मांग तो आपकी बहुत छोटी सी है, पत्रकार सुरक्षा कानून, लेकिन इसमें क्या छिपा हुआ है, क्या लंबा चौड़ा, ये तो पूरी तरह से ड्राफ्ट पढ़ने भी पता चलेगा,
लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को कि जो भी मांगे आपकी हैं जो आपके रूप में होनी चाहिए वो जरूर पूरा करेंगे और उसी आश्वासन के साथ मैं आप लोगों को साझा करूंगा कि आपका जो ये कार्यक्रम है उसे आप समाप्त करें और बहुत जल्द आपको पुष्टि जरूर दी जाएगी सरकार की ओर से। वितांश टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।